प्रतिया टोग्राफी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि फोटोशॉप में एल्बम बनाते वक्त 10 ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से वेडिंग एल्बम PHD टेम्पलेट बना सकते हैं, और क्या चाहे तो आप अपना एल्बम डिजाइन कर सकते हो अभी बहुत ही आसानी से। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्टकट है हमारा दोस्तों पेस्ट इंट्रो। इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल और भी, जिसकी सहायता से आप कोई भी सिलेक्शन के अंदर अपने फोटो को ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के तरह से। जस्ट आपको फोटो को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट भी करके सिलेक्शन में पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका फोटो कोई सिलेक्शन के अंदर आसानी से पेस्ट हो जाता है। दोस्तों हमारा दूसरा शॉर्टकट तरीका है पेस्ट इंट्रो की तरह ही है, उसका क्लिपिंग मास्क बोलते हैं। तो क्लिपिंग मास्क करने के लिए आपको फ्रेम के अंदर फोटो को क्लिपिंग मास्क करना, उसके लेयर के ऊपर फोटो को लाकर पेस्ट कर लाकर रखना है। रखने के बाद आप ऑल्ट की प्रेस करके दोनों लेयर के बीच में क्लिक करेंगे तो आसानी से आपका फोटो क्लिपिंग मास्क में बदल जाएगा, या फिर चाहे तो उसके लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके भी आप क्लिपिंग मास्क तो कर सकते हैं फोटो को। दोस्तों हमारा तीसरा शॉर्टकट्स की है Ctrl+M, जिसकी सहायता से आप कर्व का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और उसे आप अपने फोटो को एनहेंस भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के तरीके से। फोटो को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आप Ctrl+M प्रेस कर दें और उसे अपने एडजस्ट कर लें अपने इच्छा अनुसार, जैसे आप चाहते हैं टोन्स को उस तरह से आप पेस्ट करके कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फोटो करेक्शन के लिए, तो उसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसका नाम है रॉ करेक्शन। तो रॉ करेक्शन के जाने के लिए आपको फिल्टर में जाकर जाना पड़ता था, लेकिन शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+A, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से रॉ कन्वर्सन में चल जा सकते हैं और वहाँ से आप अपने फोटो को रॉ करेक्शन कर सकते हैं, जैसे अच्छा अनुसार आप फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको आगे वाले वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं रॉ करेक्शन कैसे किया जाता है फोटो का कंप्लीट प्रोसेस में आपको दिखा दूंगा। तो उसके लिए आपको Shift+Ctrl+A प्रेस करना है और शॉर्टकट में आप रॉ करेक्शन में चले जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+I, इन्वर्ट कलर का इस्तेमाल कब किया जाता है इसका मैं आपको बस जानकारी दे दूँ। जैसे कि मान लो आप व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर या अगर व्हाइट कोई टेक्स्ट लेयर को अपना PNG वगैरह को फेंकते इंसर्ट करते हैं या तो मिक्स हो जाता है, तो आप बहुत ही आसानी से Ctrl+I प्रेस करके उसे सिलेक्टेड लेयर को इन्वर्ट कलर में बदल सकते हैं। तो इन्वर्ट कलर व्हाइट का इन्वर्ट कलर हो जाता है आपका ब्लैक का व्हाइट कलर व्हाइट हो जाएगा इसी तरह से। लेकिन अगर आप कोई कलरफुल यूज़ करते हैं तो उसका इन्वर्ट कलर आपको चूज़ करने के लिए Ctrl+B प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं रेड का ऑपोजिट साइन होता है, साइन का इसी तरह मैजेंटा का ऑपोजिट ग्रीन होता है और येलो का ऑपोजिट ब्लू होता है। तो इस तरह से वाइस वर्सा करके आप कलर को इन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के तरीके से। तो Ctrl+I प्रेस करके आप इन्वर्ट का इस्तेमाल करें और बहुत ही आसानी से आप PNG को इन्वर्ट कलर में इस्तेमाल ले सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बैकग्राउंड के लिए है शॉर्टकट्स की, जिसका सिर्फ आप अपने कीबोर्ड पे जी प्रेस करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट टूल की मदद से आप बहुत ही आसानी से सेलेक्ट करके ग्रेडियंट को बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं। तो इससे आप बहुत ही आसानी से अपने ग्रेडियंट फिल दे सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर। दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट्स की है Ctrl+U, जो कि ह्यू सैचुरेशन का काम करता है Ctrl+U से। तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी इमेज को ह्यू सैचुरेशन या फिर सैचुरेशन को या फिर लाइटनेस वगैरह को एडजस्ट करने के लिए बहुत Ctrl+U प्रेस करेंगे तो आप ह्यू सैचुरेशन का पैनल खुल जाएगा, आप वहाँ से एडजस्टमेंट करके आसानी से इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों हमारा एक शॉर्टकट की है Ctrl+J, जिसकी मदद से आप कोई भी लेयर को बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो जस्ट आपको लेयर को सिलेक्ट करना है और Ctrl+J प्रेस कर देना है, जिसके जरिए आप आसानी से Ctrl+J की मदद से किसी भी लेयर को कॉपी कर सकते हैं डुप्लीकेट करके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट टिप्स है, जो कि टिप्स मतलब बोल ही सकते हैं इसको हम शॉर्टकट टिप्स इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसे बैकग्राउंड को हाइड एंड डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, जो कि साधारण सा रेक्टेंगल शेप होता है जिसे आप मर्क्यूरी टूल के जरिए किसी भी लेयर के ऊपर जो कि ब्लैंक लेयर है उस पर सिलेक्शन अपना बना लें जैसा अपन डिजाइन करना चाहते हैं, और उसे Ctrl+G प्रेस करके इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद आप इसे उसका कलर को फिल करके कुछ भी ऑपेसिटी को एडजस्ट करके आप डिजाइन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप डिजाइन को कर सकते हैं, जो है मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बैकग्राउंड को डिजाइन हाइलाइट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट की है ग्रेडियंट मैप, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से किसी मोनोक्रोम टोन में फोटो को बदल सकते हैं जैसा, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करना है
और सिलेक्शन सिलेक्टेड लेयर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में तभी बदलेगा जब आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। अगर तो कोई और कलर होता है तो उसी के हिसाब से आपका मोनोक्रोम भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिलेक्शन किया हुआ लेयर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप शॉर्टकट के जरिए ब्लैक एंड व्हाइट पर कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी सिलेक्टेड लेयर को, फोटोज को। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे आज के दिए हुए इस शॉर्टकट की मदद से बहुत ही आसानी से आप एल्बम बना सकते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से आप एल्बम बनाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि ये सब शॉर्टकट्स की का इस्तेमाल करके बहुत ही स्मूथली और आसानी से बहुत फास्ट काम कर सकते हैं अपने मैनुअली एल्बम डिजाइनिंग के काम को। तो इस आशा करता हूँ आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आज का पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह के नए किसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के धन्यवाद दोस्तों।